राम राम सबको, कैसे आप सब? बड़ी ब्लॉग करते हैं शुरू आज का। चलो भटूरे छोले लेने चलो। लगता नहीं अपना ले लो आजा। नहीं खा ले वो भी तेल हो ना ज्यादा, वो भी तो तेल तेल तो पेट के लिए अच्छा नहीं होता। अबे उसे हम नैपकिन में निचोड़ लेंगे तो नहीं अच्छा। नहीं वो छोलों से भी प्रोटीन बढ़ता है ना, नहीं खाते छोले तो? छोलों में तो प्रोटीन इनटेक चाहिए। नहीं चाहिए तो प्रोटीन चाहिए छोलों में? अच्छी बात है, घर का शुद्ध चपाती बना के खाओ। अरे वो तो खा लेंगे भटूरे छोले कभी कभी तो। चलो मम्मी माता जी कहो नो यार। तो गाइस छोले भटूरे तो हो गए अपने कैंसिल, इतना मन था आज मैंने कहा पर चलो कोई नहीं, रोटी तो है ही भाई, बैंगन के भरते के साथ इसी से काम चला लेते हैं। स्वाद जी स्वाद, हर चीज़ स्वाद ही है भाजी, खा लेते हैं जी। मिलते हैं फिर नाश्ते के बाद। तो गाइस टाइम हो चुका है 2:20 और संतोष आंटी हैं 3 दिन तक गायब, तो बर्तन हमें खुद ही मांजने पड़ेंगे और ना ही सवित्री आंटी आई हैं। सवित्री आंटी भी गेड़ा मारती रहती हैं जब आंटी काम पर होती हैं, और वैसे नहीं मारती जब आंटी गायब होती है तब नहीं गेड़ा मारती, जब सहेली को मिलने आ जाती हैं, और जब सहेली गायब होती है तब नहीं आती, तब क्यों आएगी वैसे भी। सवित्री आंटी जो हमारे पहले करती थी काम, वो दिखी भी नहीं ना बाहर, मैं गया भी पर दिखी भी नहीं, वरना दिख जाती हैं। ना ना कहीं नहीं है, वरना धूप में देखता हूँ एक बार, कहीं क्या पता धूप में इधर बैठी हूँ, देखते हैं। यहाँ बैठती हैं इधर, यहाँ तो नहीं है, इधर जोनी बैठे हुए हैं। ओ जोनी शेर, दो शेर और तो दो शेर बैठे हुए, बापा जी और जोनी। जोनी रे बापा जी। चलो भाई लगते हैं फिर। हाँ मिल गए डंबल और चेतन जी नहाने गए, मैं तो गीजर से पानी हम नहीं ले सकते भाई, फिर मैंने कहा यहीं गर्म कर लो, ये दूध वाला ही पतीला है, मैंने इसी में गर्म कर लिया पानी। अब मांजते हैं फिर बर्तन का। इस टाइम हो चुका है 7:12 और आज बनाएंगे डिनर में जी दाल मखनी। लो जी ये भिगो रखी थी हमने दोपहर से ही, और इसे 5-6 घंटे हो चुके हैं, और साथ बनाएंगे गाइस आज बेसन का चीला, वो भी स्पेशल तरीके से, पनीर वाला नहीं, आज चेंज है कुछ तो बताऊंगा फिर मैं आपको। और दाल में ना अभी हम डाल देते हैं गाइस हल्दी और जाएगा जी इसके अंदर ये नमक और ये मीठा सोडा और इधर है दालचीनी और 4 से 5 लौंग। लो ये मिक्स करते हैं इसे, और ये गया जी देसी घ्यो, और ये भी बीच में जाएगा गाइस अदरक हरी मिर्च टमाटर और प्याज, ये सब ऐसे ही उबालेंगे हम दाल को, तड़का मारेंगे बस बाद में जीरे का और लहसुन का। लो जी ये गया इसके ऊपर ढक्कन और दिलवा लेते हैं इसे अब कम से कम 8-10 सीटियाँ। 8:30 हो चुके हैं, दाल मैंने चेक करी अभी गली नहीं, इसलिए मैंने फिर पानी दोबारा डाला और अपना दोबारा फिर दोबारा सीटी दिलवा रहे हैं। और इधर जी चीला बनाएंगे सोयाबीन वाला, देखते जाओ। सोयाबीन हमने भिगो रखी थी 1 घंटा हो गया इसे, लो जी इसे डालेंगे अब जार में और पीस लेंगे। सोयाबीन का कचुंबर निकल चुका है बिल्कुल, अभी बताते हैं और क्या करना है। उससे पहले दाल को हम मार रहे हैं तड़का, दाल अपना बढ़िया गल चुकी है, अब मलाई डालेंगे पहले, लेकिन क्योंकि तभी बनेगी मखनी दाल। लो जी तड़के से पहले मलाई दूध, दैट्स इट। तो लो गाइस मिक्स कर देते हैं इसे। ओए होए 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 होए, ये तो कुमदी है ना गाइस, ता देखो है ओ बल्ले तोड़े, वाजी वाह। पका लेते हैं इसे अभी 5-10 मिनट और रिनेंगे इसे बढ़िया धीमी आंच पे। तो जिसके अंदर हमने लहसुन का पाउडर डाल दिया, अब जाएगा जी जीरा और हींग। तो जी बनाई बढ़िया हो चुकी है, अब डालते हैं इसमें सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, देगी मिर्च, काली मिर्च और किचन किंग। लो जी तड़का है वधिया तैयार गाइस, चेक करो लालम लाल। लो जी मिक्स करते हैं, और जी अब जाएगा इसके अंदर कसूरी मेथी। ये अपना दाल है अब फाइनली गाइस रेडी। तो गाइस दाल अपना तैयार है और अब बारी है चिल्ले की, चिल्ले के साथ खाएंगे हम दाल, दाल में भी प्रोटीन, बेसन में भी प्रोटीन, और अपना जो हमने न्यूट्री अपना वो करी है चूरा बनाया उसका ये री, इसमें भी प्रोटीन। और गाइस किस्मत देखो पनीर भी आ गया, पहले था नहीं पनीर, पनीर वाला तो नहीं वैसे बनाना था, बनाना तो सिर्फ न्यूट्री वाला था, हमने देखा था कहीं से, तो मैं कहा चलो आज ट्राई करते हैं भाई कैसा बनता है न्यूट्री वाला, पनीर वाला तो खाया था उस दिन, लेकिन चलो तब भी पनीर थोड़ा हम कुतर के डाल लेंगे मूली गंडे से। तो पहले बेसन को गूंथते हैं,
ये गया अब चूरा मतलब पीसीबी न्यूट्रल। तो जी मिक्स कर दिया हमने इसे, अब जी डालते हैं इसके अंदर हम टमाटर प्याज और हरी मिर्चा। तो जी इसमें हमने ऐड कर दिया पनीर अब और सूखा धनिया, लाल मिर्च, ये इधर हल्दी, नमक भी डाल दिया हमने, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, काली मिर्च सब डाल लिया, थोड़ा सा पानी भी डाला मैंने क्योंकि गाढ़ा हो गया था बहुत मटेरियल। लो जी बैटर अब मिक्स करते हैं। फुल लोडेड गाइज, फुल लोडेड चिल्ला बनेगा आज प्रोटीन के साथ, फुल प्रोटीन, ज़्यादा ना हो जाएगा। शुरुआत करते हैं अपना चिल्ले की। ऑयल स्प्रेड कर दिया हमने थोड़ा सा तवे पे। लो जी ये गया बैटर, गाढ़ा गाढ़ा आज तो, पानी डालने के बाद भी मोटा ऐसे ही बनेगा गाइज आज तो, मोटा मोटा। मुझे लग रहा कि ना ये पलटाते हुए टूट ना जाए क्योंकि बहुत हैवी हो गया ये, देखते हैं। ए रेडी, निकल तो गया आराम से। ए रेडी, वन टू, ओ बच गया बच गया बच गया बच गया। लो पलटा ही दिया, हल्का सा टेढ़ा हो गया, करता हूँ सेट। लो गाइस चीला अपना तैयार है फर्स्ट क्लास। पहले वाला तो गाइस टूट गया था, वो तो हमने फिर रल मिल के माता और हमने खा लिया। अब ये दूसरा बनाया है, ये सही बना, मैंने दो कड़छियाँ डाली उसमें, पहले वाले में डल गई थी तीन, वो ज़्यादा ही भारी हो गया था, हैवी हो गया था। लो जी अब एक दो और बना लेते हैं फिर खाते हैं और आपको बताते हैं। तो गाइस टाइम हो चुका है 10:25 और इधर आ गए जी अपने चीले फुल ऑफ प्रोटीन। ओह पारा, वाह जी वाह, चेक करो माता कितना था, लग गया सी वधिया सी। और ना हमने मलाई मलुई कुछ नहीं डाली गाइस। और ये देखना अभी, ये देखो, ये देखो, हाँ जैसे कबाब में नहीं पीसते वैसे, ये देखो सॉफ्ट सॉफ्टनेस देखो, और दाल के साथ खाएंगे बहुत पुल पुल है ना, दही पड़ी तो हुई है पर मैंने कहा दाल भी तो खाएंगे ना साथ है। दाल भी बड़ा स्वाद लग रही भाई, दाल भी बहुत लाजवाब बनी गई, अत की दाल बहुत टेस्टी। और ये चिल्ला तो मैं क्या ही बताऊंगा, इतना सॉफ्ट है ना पनीर और न्यूट्री से जो सॉफ्टनेस आई है ना इसके अंदर। लाजवाब भाई, और बहुत ही हेल्दी है, बहुत हेल्दी गाइस, ट्राई करो आप एक बार। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही बनाया गाइस, देख के ही बनाया कहीं से, आप हमें देख के बना लो और क्या है बार नहीं बना। हाँ प्रोटीन ले लेते हैं हम, फिर मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, जो हमारे चैनल पर नहीं हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फ्री है, फ्री है, फ्री है, बाय बाय, राम राम। हेलो गाइज वेलकम दोबारा। मैं कहा दही के साथ भी टेस्ट कर ले भाई, क्यों जी माता जी ने कहा तो टेस्ट तक करना पाएगा गाइज फिर। अच्छा जी ये भी प्रोटीन है गाइज, फुल प्रोटीन, बहुत स्वाद लग रहा है इसके साथ भी, बढ़िया जी बढ़िया। बाय बाय दोबारा।